हेलो एवरीवन, कभी ऐसा ना हो कि जो आपका स्मार्टफोन है खो जाए या चोरी हो जाए, उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह ढूंढेंगे। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है सभी के लिए बहुत प्यारा होता है। तो आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, उसके बाद आप FIR करेंगे, कंप्लेन करेंगे, बट आपका जो फोन है वो नहीं मिलेगा। तो बस आपको खोने से पहले ये अपने फोन के अंदर सेटिंग ऑन रखना है, जिससे आपका फोन कभी खो जाए या कहीं चोरी हो जाए तो आप खुद से ढूंढ सकते हैं कि आपका फोन कहाँ पर है। चोर अगर चला को फोन स्विच ऑफ भी कर दे या फ्लाइट मोड कर दे या आपका सिम निकाल दे, फिर भी आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फोन खोने के बाद कहां पर है। चोर का फोटो आ जाएगा आपके दूसरे ईमेल आईडी पे, तो फिर आप अपने फोन को ढूंढ सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से प्यार करते हैं या आप चाहते हैं कि जो आपका स्मार्टफोन है कभी ना खोए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है, पर्सनल फोटो होती है, कॉन्टैक्ट होता है, या जो हमारा फोन काफी प्राइजर होता है, मतलब काफी महंगा फोन है, तो ये फोन तो आजकल सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं चाहते कि उनका फोन कभी खोए, कभी खो भी जाए या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन आपका चोरी हो जाए, तो फिर आप सिर्फ खुद से 10 मिनट में फोन ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां मैं बताऊंगा डिटेल्स में। बस आपको एक सेटिंग अपने फोन के अंदर जरूर ऑन रखना है, जिससे आपका फोन कभी खो जाए या चोरी किसी ने कर लिया, उसके बाद आप अपने इजी से ढूंढ सकते हैं अपने फोन को। तो दोस्तों, कभी ऐसा ना हो कि जो स्मार्टफोन है आपका ये कहीं चोरी हो जाए या कहीं किस गिर जाए या खो जाए। तो वैसे में दोस्तों क्या होगा, जिसको फोन मिलेगा या जो चोरी करेगा वो फोन आपको वापस नहीं देगा। तो वैसे में आप अपने फोन को ट्रैक किस तरह कर सकते हैं कि आपका फोन कहां पर खोया है या किसने चुराया है। तो जैसे देखो, ये मेरा फोन है। चोर क्या करेगा, फोन चुराने के बाद वो क्या करेगा, यहां से स्विच ऑफ कर देगा, स्विच ऑफ करने के बाद या फ्लाइट मोड कर देगा यहां से, या सिम निकाल के फेंक देगा। तो दोस्तों, आप लोग नॉर्मली ट्रैक नहीं कर सकते, बट आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे उसके बाद आप लोग ट्रैक कर सकते हैं अपने फोन को कि आपका फोन कहां पर है, और चोर का फोटो भी आ जाएगा। कमाल की बात है दोस्तों, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा बट इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद आपका फोन अगर खो भी रहा है तो भी आप अपने खुद से ढूंढ सकते हैं फोन को। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वीडियो के मैं एंड में बता दूंगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको आप लोग को ध्यान से देखना। अगर आप लोग सेटिंग ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग नहीं ट्रैक कर पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे अपना फोन। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोग क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक होगी, नहीं तो वीडियो के एंड में नाम भी बता दूंगा। उसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने दोस्तों आप लोगों को इसको ध्यान से, ये जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है इसको ध्यान से देखना है। यहां पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। यहां पे क्या लिखा है, फ्लाइट मोड इजीबल, मतलब अगर वो फ्लाइट मोड कर भी दे रहा चोर फोन को तो भी आप लोग अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं स्विच ऑफ होने के बाद भी। जी हां, फिर क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एसिड टू, मतलब आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए रिम करना है, ये सिर्फ iOS के लिए, एंड्रॉइड फोन के लिए है, आईफोन के लिए नहीं है दोस्तों। तो अगर आपका आईफोन है तो कोई और ये वीडियो मत देखिए, ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए, फोन के लिए है। आपको नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोग को इस एप्लीकेशन का क्या करना है, परमिशन दे देना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग को इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परमिशन अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और बैक आएंगे तो यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पूछ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, डिले कर देंगे, तो अलाउ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है। देखिए पहला क्या है, डिवाइस एडमिन। अगर आप लोग चाहते हैं कि चोर को ना आपका ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ना कर पाए आपके फ़ोन से, कभी आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करेगा, बट एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ना हो तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे करना है। उसके बाद आप लोग को एक्टिव कर देना है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक्टिव कर सकते हैं अलाउ। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि चोर आपकी लोकेशन भी ना ऑफ कर पाए आपके फ़ोन को, तो आप लोग को यहाँ से क्या करना, इसको भी अलाउ कर देना। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी अलाउ कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये भी लोकेशन अलाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप लोग ट्रैक या ढूंढ नहीं पाएंगे अपने फ़ोन को। तो उसके लिए दोस्तों सबसे क्या लिखा है, पहले फेक शट डाउन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। इससे इसका मतलब होता है कि दोस्तों आप लोगों का फ़ोन खो जाए तो चोर क्या करेगा, या जिसने चुराया वो पहले क्या करेगा, स्विच ऑफ करेगा आपको फ़ोन को। ये जो आपका फ़ोन है उसको क्या करेगा, स्विच ऑफ करेगा। बट आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा ही नहीं, चोर को लगेगा कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है या फ्लाइट मोड हो जाएगा, बट वो सिर्फ चोर को लगेगा बट रियल में नहीं होगा। उसके बाद आप लोग अपने फ़ोन को EMI से, नहीं तो गूगल माई फाइंड डिवाइस से ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्या करना है, परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर डाल देना है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए GK का नंबर ऐड हो गया, ये सबमिट हो गया, एमरजेंसी नंबर है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट चला जाएगा अगर मेरा कभी फ़ोन खो रहा है तो। यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हो गया दोस्तों, पे कह रहा है फेक शटडाउन को अगर आप लोग परमिशन देंगे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
पावर ऑफ योर फोन। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, चोर क्या करेगा यहाँ से स्विच ऑफ करेगा फोन। इसमें तीन चीज बताएगा आप लोग को कि आप लोगों का फोन अगर आपसे कभी स्विच ऑफ हो जाए तो फिर आप लोग फोन को एक्टिव कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे। चोर को तो ऑन ही नहीं होगा, अगर चोर कभी स्विच ऑफ कर दे उसके बाद चोर से ऑन नहीं होगा, बट आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फोन चार्ज पे लगाइए एक बार, नहीं तो आप लोग क्या कर दीजिए HS1 स्टॉप मैसेज किसी और फोन से अपने इस फोन पे भेज दीजिए, उसके बाद आपका फोन एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका फोन चालू हो जाएगा। नहीं तो आप लोग इस वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ओके कर दूंगा। देखिए लगना है ना कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, तो ये हो गया दोस्तों पहला सेटिंग। सेकंड देखिए इसमें क्या लिखा है, फेक फ्लाई मोड, मतलब अगर आपका चोर सोचता है कि फ्लाइट मोड कर दूं तो फिर कॉल ना आए या मतलब ट्रैक ना कर पाए, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं कि फ्लाइट मोड, मतलब आप लोग अगर चोर का भी आपका फोन फ्लाइट मोड करे फिर भी फ्लाइट मोड आपका नहीं होगा दोस्तों। ये भी काफी यूजफुल सेटिंग है, इसको भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐप लॉक, मतलब अगर आप चाहते हैं कि फोन चोरी हो जाए उसके बाद कोई चोर आपका कोई एप्लीकेशन ऑन ना कर पाए, जैसे फोन पे या UPI को भी पैसे ना आपका निकाले, तो आप लोग इसको भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा देखिए, इंट्रोडेटर सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसको ऑन कर लेंगे तो इससे क्या होगा, एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, जैसे कोई भी ईमेल आईडी, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे ये वाला ईमेल आईडी, ओके कर दूंगा। तो अगर अब मेरा फोन कोई चोरी कर रहा है तो मेरे इस ये फोन कहीं मेरा खो जाए कहीं, तो क्या होगा कि जो चोर ने फोन चोरी किया उसका मेरे पास फोटो आ जाएगा दूसरे ईमेल आईडी पे, जो मैंने ईमेल आईडी इसके अंदर ऐड किया। जी हाँ, जो देखिए ईमेल आईडी जो मैंने ऐड किया उस ईमेल आईडी पे मेरा चोर का फोटो लोकेशन सब कुछ आ जाएगा। बट अब हम ये हो गया हमारा एक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेगा चोर, जैसे देखिए ये मेरा फोन है, ठीक है, अब ये मेरा फोन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, करेगा ना सेम ऐसे स्विच ऑफ। यहाँ से देखिए अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, ऐसा लगेगा चोर को, देखिए मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। बट अगर वो यहाँ से क्लिक भी करे तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। अब ये फोन ऑन कैसे होगा दोस्तों, चोर को लगेगा कि हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया है, बट अब ये फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है रियल में। आप लोग इस फोन पे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अगर उसने सिम निकाल भी दिया है तो भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं गूगल माई फाइंड डिवाइस पे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि फोन को गूगल से किस तरह ट्रैक किया जाता है, बिना EMI के नंबर के आप लोग ट्रैक किस तरह कर सकते हैं गूगल से। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फोन सेफ रहे, लाइफ टाइम रहे आपके पास, कभी खोए तो आप 10 मिनट में ढूंढ ले, तो ये वाला एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर जरूर होना चाहिए। काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, मेरे फोन के अंदर, सभी के फोन के अंदर है कि अगर कभी फोन खोए तो चोर का फोटो आ जाएगा, फोन चोर स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। अब आप लोग कैसे ऑन कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को दूसरे फोन से इस पे एक टेक्स्ट मैसेज करना है HS1 स्टॉप। जी हाँ, नहीं तो आप लोग एक बार इस फोन को चार्ज में लगा दीजिए, चार्ज से निकालिए, आपका फोन डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा आपका फोन। जी हाँ, तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप TechnicalGovind इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक अगर आप अपने स्मार्टफोन से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार सबके पास शेयर कर दो, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक वंदे मातरम।